गुलाम मुस्तफा खर की मैं आपको बात बता रहा था, आपने नाम सुना हुआ है गुलाम मुस्तफा खर, गवर्नर थे। इन्होंने तहसीलदार बनने के लिए अप्लाई किया, इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू लेने वालों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तहसीलदार नहीं बनाया। दुख हुआ होगा, बाद में ये गवर्नर बन गया पंजाब के। फिर गवर्नर बनने के बाद इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में उस डीसी को भी बुलाया जिसने इन्हें तहसीलदार के लिए नाहल करार दिया, रिजेक्ट कर दिया। और वहां पे तकरीर की मुस्तफा खर ने कि खर वाज नॉट बॉर्न टू बी तहसीलदार, खर वाज बॉर्न टू बी गवर्नर। कि खर तहसीलदार बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था, खर गवर्नर बनने के लिए पैदा हुआ। तो ये याद रखिए कि अगर एक चीज एक बार नहीं मिलती तो उससे बेहतर चीज, उससे बेहतर मनसब आपके इंतजार में हो। सिर्फ दो काम कीजिए, एक हौसला या हिम्मत ना हारे, दूसरा एक टारगेट सेट कर ले अपने साथ, उसको अचीव करने के लिए आप सर भर की बाजी लगाओ। एक है ना कॉल इंग्लिश का कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड, अपनी बेहतरीन कोशिश कीजिए और नतायज खुदा पे छोड़ दीजिए। आप अपनी बेहतरीन कोशिश करें, फिर अल्लाह पाक भी कुरान पाक में फरमाता है ना कि हम इंसान को वही कुछ देते हैं जिसके लिए वो कोशिश करता है। बड़ी होगी आपने भी आए। तो जब अल्लाह पाक ने ये वादा कर दिया कि जिसके लिए आप कोशिश करेंगे, सिर्फ इसमें बात यह है कि आपकी कोशिश में खलूस हो, जद्दोजहद भरपूर हो, मायूसी पास से भी नहीं आपके में गुजरनी चाहिए। यानी यह सूरत हो कि ना सर झुका के जिए हम, ना मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशालें जला के जिए। तो कभी भी आपने देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक के पेशे नजर ये होता है कि मुझे कोई सहारा मिल जाए, इसीलिए हम कभी एमएनए के पीछे जाते हैं, कभी एमपीए के पीछे जाते हैं, कभी जिसको देख लेते हैं कि इसके पास इसका असर रसूख है कुछ, हम उसके पास जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि हमारे लाशऊर में ये होता है कि ये ताकतवर है, हमें इसका सहारा मिल जाएगा तो हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसा ही है ना, बोले। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे खुद सहारा बनना है किसी का, यानी या पहाड़ बन जाओ या पहाड़ का सहारा ले लो। दो तरह के लोग हैं, कुछ पहाड़ का सहारा लेने वाले होते हैं, कुछ खुद पहाड़ बन जाने वाले लोग। तो आप खुद पहाड़ बने, और ऐसा हो सकता है आप ये जो बड़े बड़े लोगों को तारीख में पढ़ते हैं, क्या ये पैदाइशी तौर पर बड़े बड़े लोग थे? इनके बैकग्राउंड तो देखिए क्या थे। इब्राहिम लिंकन एक गरीब आदमी था, सही है ना, आपने पढ़ा होगा। आप ये देखिए, आपको 100 मिसालें इस तरह की मिल सकती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोशिश की और अल्लाह पाक ने इनकी कोशिश को समरावर किया। आप अपनी, एक तो ये कि आपका जो लाइफस्टाइल है उससे जरा तब्दील करें, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल में जज्बा नहीं है, स्पिरिट नहीं है। आपको बेचैनी की दौलत दुआ करें मिल जाए। बेचैनी इंसान को या जुनून इंसान को कहीं से कहीं ले जाता है। जो बेकरार या बेचैन दिल होते हैं ना, जिन्हें कहीं पे भी चैन नहीं आता, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, वो एवेंचुअली कामयाब होते हैं। और ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, अल्लाह ताला ने भी फरमाया है ना कि बेहतर खूब से खूब तार के लिए कोशिश करो। ये इसका मतलब ये नहीं कि हम मुतमिन नहीं है जो हमें मिल गया है, हम मुतमिन हैं, लेकिन हम उस इत्मीनान को मजीद
उस मकाम से दूसरे मकाम में जाना चाहते हैं, यानी आने वाले कल को अपने आज से बेहतर करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास ये आइडियल टाइम है, आइडियल ये मेकिंग या ब्रेकिंग का टाइम है, या अपने आप को मेक कर ले या ब्रेक कर ले। अगर आप मायूसियों में गिरे रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि हमारी कौन सा अप्रोच है, हमारी कौन सा कोई जो है वो पैसे है इतने, तो हमने क्या करने की कोशिश करते, फिर बाकी कुछ नहीं करता। जो मुल्क का मुतवसत तबका है ना, कौमों का मुतवसत तबका ही आगे बढ़ के लीडर बनता है। मैं आपको यकीन दिलाता, अगर आप इस मकाम पर जबकि आप ये ऐसे कर रहे हो, आपके पास बड़ा थोड़ा वक्त है, लेकिन या ब्रेकिंग के लिए बड़ा थोड़ा टाइम है आपके पास, अगर आप इस मरहले में अपने आप को मेक नहीं करेंगे तो ब्रेक कर बैठे। ये बात मेरी आपको याद रहनी चाहिए, आप अपने आप को मेक करें, ब्रेक ना करें। खुदा ब्रेक इसी सूरत में आप करेंगे कि आपने उस अज़्म को छोड़ दिया जो आपकी कामयाबी का ज़मान था। आपकी रातें, आपके दिन तो गुजर ही जाने, चाहे तो आप सो के गुजार लें या वक्त बर्बाद करके गुजार लें, या फिर आप अपनी रातों और दिनों को मेहनत, लगन और जद्दोजहद में गुजारें। मैंने आपको पहले भी सुनाया था ये फरमान हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, आज भी सुना रहा हूं कि आमाल दो तरह के होते हैं या रवैये दो तरह के होते हैं। एक वो कि जिनकी राहत, जिनकी मुश्किल तो खत्म हो जाती है लेकिन उनके उसके नतीजे में हासिल हो जाने वाली राहत बाकी रह जाती है, और दूसरे वो जिनकी लज्जत तो खत्म हो जाती है लेकिन उनके नतीजे में या उस लज्जत के नतीजे में हासिल होने वाली मुश्किल बाकी रह जाती है। आपने कौन सी सफ में जाना है ये फैसला आज कर ले। आपके पास कल के लिए वक्त नहीं है, ओनली टुडे नॉट टुमारो। अगर आप कल का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। ये दुनिया बड़ी तेज है, बड़ी फास्ट है, पीछे रह जाने वालों को कोई नहीं पूछता, उसके अपने भी उसका साथ नहीं देते जो पीछे रह जाता है, उसके अपने भी उसे छोड़ जाते हैं। एहसान जिंदगी ये गवारा ना था हमें। एहसान जिंदगी का मतलब क्या होता है? जिंदगी पर एहसान। एहसान जिंदगी ये गवारा ना था हमें, जीने के हमको चंद सहारे मिले तो थे। गौर कीजिएगा इस पे, एहसान जिंदगी ये गवारा ना था हमें, जीने के हमको चंद सहारे मिले तो थे। अपनी अना को हमने बचाया है डूबकर, मौजों में रह के हमको किनारे मिले तो थे। अपनी अना को डूबकर बचाइए, अपनी अहदाफ को, अपनी कामयाबियों के सिलसिले को टूटने ना दीजिए। आपका माजी खत्म हो चुका, अपने आप को माजी से चिपकाए रखना अकलमंदी नहीं है कि माजी में मेरे साथ ये हुआ, एफएससी में मेरे नंबर कम आए, मैट्रिक में कम आए। यूं माजी में रहने वाले माजी में ही खोए रहते हैं। आप अपने मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल की तरफ देखिए जो आपका इंतजार कर रहा है। ये स्टूडेंट्स, मैं जो बातें कह रहा हूं इन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल ना दीजिएगा। अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया आपकी जिंदगी पूरी बन जाएगी, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी फैमिलीज की जिंदगी बन जाएगी। आप खानदानों को बनाएंगे, आप माशरे को बनाएंगे। और अगर आपने यहीं पे छोड़ दिया फिर तो आप माशरे पे भी खुद भी बोझ बन के रह जाएंगे। फिर आपने किसी का बोझ तो क्या उठाना, फिर तो आप खुद बोझ बन के रह जाएंगे ना माशरे। ऐसा ही है ना, फैसला आपने करना है। अल्लाह पाक ने इंसान को बड़ी चॉइस दी हुई है। मैं कहता हूं जितनी अल्लाह पाक ने इंसान को चॉइस दी, आप यही देख लीजिए कि आयत के हम इंसान को वो कुछ अता करते हैं जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर हम किसी गलत काम में कोशिश करेंगे वो काम हमारा हो जाएगा क्योंकि अल्लाह पाक का वादा है, लेकिन वो गलत काम होगा। आप आजमा के देख लीजिए, आप जिस काम के लिए भी कोशिश करेंगे, कुछ चोरी करने की कोशिश करता है चोरी कर लेगा, उसमें कामयाब हो जाएगा। अगर कोई
कोशिश इस बात की करता है कि मुझे किसी का के घर में डाका डालने की कोशिश करता है, वो डाल लेगा, एक दिन पकड़ा जाएगा, पहले डाल देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कोशिश ये करता है कि मैं माशरे में एक मकाम हासिल करूं, उसके लिए वो जद्दोजहद करता है। हमारे एक दोस्त हैं सुल्तान साहब, नाम है उनका सुल्तान साहब, हमारे साथ वाले गांव के हैं 447 के। सुल्तान साहब के साथ में पढ़ा हुआ हूँ, जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे और फिर जब हम मिडिल हिस्से में गए, सुल्तान साहब दिन में स्कूल आते थे और जब भी उनको कोई छुट्टी मिलती थी या बाज़ जब हालात ज़्यादा तंग हो जाते थे तो वो स्कूल से छुट्टी करके मिस्त्रियों के साथ मिलकर मजदूरी किया करते, यू बिलीव, अपने हाथ से गारा उठाते थे। फिर उन्होंने एजुकेशन प्राइवेट हासिल करना शुरू कर दी, चूंकि रेगुलर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे घर का कमरा बना, उन्होंने अपने हाथ से ईंटें और गारा उठाया, यू बिलीव मी स्टूडेंट्स। फिर क्या हुआ, फिर पढ़ते पढ़ते कोशिश उनकी जारी रही, कोशिश नहीं तक की उन्होंने, वो उनका इंजीनियरिंग में दाखिला, इंजीनियरिंग यूईटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में उनका दाखिला हो गया, वो इंजीनियर बन गए। वहां पे यूनिवर्सिटी में कैसे उन्होंने अपने एक्सपेंसेस अफोर्ड किए, जाहिर है प्राइवेट को ट्यूशन करते थे, लोगों के घरों में जाके पढ़ाते थे, कोशिश जारी रही, इंजीनियर बन गए। अब वो खाद फैक्ट्री में एक बहुत बड़े ऑफिसर है, नेक्स्ट टू जीएम है, जीएम के बाद वो है, लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं वहां से, गाड़ी बंगला उनको हासिल है, उनके बच्चे अब डॉक्टर बन रहे हैं। देखिए उन्होंने कोशिश की, उनका खानदान बन गया, आने वाली नस्लों की भी तामीर कर दी। अगर आप खुद नहीं कुछ बनेंगे, आपके बच्चे क्या बन सके, आप आने वाली नस्लों का सोचिए। आप ये ना सोचिए कि ये जो आपकी जिद्दोजहद है सिर्फ आपकी जात तक महदूद रहेगी, नहीं, ये आपके आने वाली नस्लों, पता नहीं कितनी आने वाली नस्लों को इसका फायदा होगा, ये अल्लाह पाक जी। एक शख्स की हुई जिद्दोजहद एक माशरा बना सकती है, पूरा माशरा। Am I clear? आपने कोई सवाल करना है तो कर। सवाल है? सेव कर दे वीडियो। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को गौर, इन बातों पर गौर करेंगे, अकेले बैठ के जरूर सोचा करें। तन्हाई बड़ी नेमत है, याद रखिए, तन्हाई हमें मुख्तलिफ सोचें अता करती है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है ना कि मोमन की बसीरत से बचिए, इंसान को महफिल उतना कुछ नहीं देती जितना कुछ तन्हाई दे देती है। तन्हा बैठ के सोचा करें कि मैं क्या हूं, मुझे किस मकसद के लिए यहां भेजा गया है। मैं आपसे आपको बता रहा था कि कोशिश जिस चीज की करेंगे वो हासिल हो जाए, और अगर कोई कोशिश ही नहीं करेगा ना अच्छे काम के लिए ना बुरे काम के लिए, उसको क्या हासिल होना है सिवाय ये कि वो बोझ बने दूसरों पर, माशरे पे बोझ बने। और लोग बोझ ज्यादा देर तक किसी का नहीं उठाते, फर्क कर देते हैं ऐसे लोगों को सारी जिंदगी, ना तो वो इज्जत पा सकता है शख्स, ना कोई मकाम उसे मिल सकता। बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि आप जिद्दोजहद करें, कोशिश करें। मायूसी को एक दफा दो दफा अगर किसी चीज में नाकाम होते हैं, मायूसी को ना करीब आने दीजिए, जिद्दोजहद फिर करें, फिर जिद्दोजहद करें। मैं आपको कसम उठा के कहता हूं कि आप कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि ये अल्लाह पाक का
निज़ाम है और उसका वादा है और वो अपने वादे के मुताबिक हर काम उसके होता है। सबसे सच्चा वादा अल्लाह पाक का वादा, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया।